हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं है, हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं है, है हिंद जिसका नाम ये शहीदों की जमी है। आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस पर आपने भाषण देना है, बहुत ही खूबसूरती से ये भाषण लिखा गया है। और दोस्तों आप कोई भी भाषण बोलिए संविधान दिवस पर, संविधान की प्रस्तावना जरूर बोलिए, पूरा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत कीजिए, मानवीय गरिमा का सम्मान है, आपसी बंधुता में देश महान है। मानवीय गरिमा का सम्मान है, आपसी बंधुता में देश महान है। मानसिक आज़ादी हो हर व्यक्ति में, मेरे देश का ऐसा संविधान है। सबसे पहले आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभा में उपस्थित सभी माननीय श्रोताओं का स्वागत करता हूं। भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा के 284 सदस्यों के सामूहिक चिंतन से निकला संविधान आज के दिन देश को अर्पित किया गया। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का अहम पर्व है। आज का दिन समस्त भारतवासियों के हक का दिन है। भारतीय संविधान को सरल भाषा में कहा जाए तो हमारा संविधान हर भारतवासी की गरिमा और भारत की एकता है। इन्हीं दो मंत्रों को भारत के संविधान ने साकार किया है। नागरिक की गरिमा को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता को अटूट रखा है। जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो। जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो। ऐ समय के चांद तारो ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है मेरा देश जगमगा दो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान अगर हमें अधिकार देता है जिनसे हर भारतवासी की गरिमा बनी रहे, इसके साथ साथ हमारे लिए कर्तव्य भी हैं। हमारे दूरदर्शी संविधान संस्थापकों ने भारत की संप्रभुता का मार्ग तय किया था। उनका सपना था कि हर भारतवासी इंसान हो, आज़ादी से जीना आसान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा। सपना था कानून लिखने वालों का कि हर भारतवासी इंसान होगा, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब हर भारतवासी अपने देश और मानव की गरिमा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। हमें संविधान को सर्वोच्च मानते हुए ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हमारे लिए देश का विकास और कर्तव्यों का पालन ही सर्वोपरि रहे। अगर हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से करते हैं तो देश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से भाषण दीजिए पूरी तैयारी के साथ। अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।